स्कर्ट और उसके ऊपर ये एप्रन, इसको ऐसे बांधते हैं, यहाँ पे बुक रखते हैं ऑर्डर लेने के लिए पेन के साथ, नाइस नो? अच्छा है, पर नरेन एक सवाल है, ये सारे कपड़े क्यों इस तरह के? ये एक्चुअली अत्तू आना ना, उसे कुछ याद ही नहीं रहता, यहाँ तक कि अपने टेस्ट बड्स भी खराब हो गए उसके, उसका फेवरेट पिज्जा एलापिनोस अब उसको वो भी पसंद नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर पे जाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करो, लंदन की चीजें रिक्रिएट कर दो, उसकी ड्रेस, उसका पिज्जा, क्या पता उसको दोस्त पिज्जा सब याद आ जाएंगे। गुड आइडिया ना? गुड, वेरी गुड आइडिया। प्रिया, प्रिया तेरे लिए खांसी की दवाई लाई हूँ, कहाँ है तू? कहाँ गई है लड़की? यही रख देती हूँ दवाई, ये लैपटॉप भी खुला रखे, क्या ना ये लड़कियां भी आज। मैं यहाँ एज अ शेफ आई हूँ, आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाना मेरा कर्तव्य है। वाह बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने सिखाई तुम्हें? मेरी मॉम से, और मेरी मॉम ने उनकी मॉम से। मुझे यहाँ पर एक इंडियन फैमिली ने एज अ शेफ हायर किया, मॉम बहुत प्यारी फैमिली है, मुझे तो लग रहा है मैं अपने खुद के घर पर हूँ। तुम्हें खाना किसने सिखाया? आई ने। प्रिया, तुम कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ जी, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर। मैं आपको आज ही बुला सकती हूँ ना? ये ये लो, हो गया तुम्हारा लैपटॉप रिपेयर, अब जल्दी से जो भी प्रेजेंटेशन बनाना जल्दी कंप्लीट करो, बाहर हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने के लिए। कोशिश करती हूँ, काम खत्म हो गया तो आ जाऊंगी। अना, इसको फिर से रिपेयर करने के लिए थैंक्स, पता नहीं मुझे सबसे कब छुटकारा मिलेगा। अमन की तरह, जिस तरह से तुमने उसके फोटोज, वीडियोज, मेल कुछ अपने सब कुछ लैपटॉप से डिलीट कर दिया है। या प्लीज, तुम क्यों बार बार उसका जिक्र करती हो? मैंने कहा ना मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, अगर बात नहीं करनी है तो मत करो, पर एटलीस्ट उसको ढूंढने की तो कोशिश करो। प्रिया प्लीज, मैंने कहा ना मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। तुम क्यों बार बार उसका नाम ले रही हो? मैंने कहा ना मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। मुझे उसका नाम सुनते ही गुस्सा आता है, नफरत है मुझे उससे। मुझे ना उससे मिलना है ना उसे ढूंढना है। I just hate him. क्या कहा तुमने? You hate him, right? तो फिर ये फोटो तुम्हारे बुक में क्या कर रही है? तुम्हें तो इसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, इसे फाड़ देती हूँ। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा?
सारी यू लव हिम, यू स्टिल लव हिम, वरना तुम मुझे ऐसे रोकती नहीं। देखो परी, वो तुम्हें छोड़ के क्यों गया और वापस क्यों नहीं आया, आई डोंट नो एनीथिंग, और ये बात तुम भी नहीं जानती हो। पर परी, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके आंसर तुम्हें अब तक नहीं मिले, जिसकी वजह से तुम बहुत उदास रहती हो, अपनी जिंदगी भी नहीं जी पा रही हो। कम ऑन परी, तुम्हें इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, अमन को ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू सॉर्ट दिस आउट। आई रियली वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, योर फैमिली वॉन्ट्स टू सी यू हैप्पी, और बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। चलो डांस करते हैं। हाँ प्लीज, मुझे नहीं करना ये स्टुपिड गाने पे स्टुपिड डांस, प्लीज। तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों को क्या कहते हैं? क्या? नाचना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ ये स्टुपिड स्टेप्स नहीं करने हैं मुझे। You're such a bore, B-O-R-E, bore. Okay fine, I'm a bore. But तुम डांस क्यों कर रही हो? कोई कॉम्पिटिशन है? कोई परफॉर्मेंस देनी है? तुम्हें किसने कहा कि डांस सिर्फ कॉम्पिटिशन या परफॉर्मेंस के लिए करते हैं? डांस इज लाइक अ थेरेपी, कोई भी कभी भी कहीं भी डांस कर सकता है। यू नो तुम्हें अंदर से खुशी होगी, हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। NO, नो। ट्राई तो करके देखो प्लीज। प्लीज आहना, प्लीज जस्ट सिट डाउन। अमन मेरे लिए प्लीज प्लीज प्लीज, मैं नानी सुनूंगी। चलो म्यूजिक। ये सब नहीं, प्रॉपर डांस, फॉलो मी। मैं तुम्हारी तरह डांस कर रहा हूँ। चलो तुम्हारा फेवरेट गाना है ना, डांस करो। तो मैं इस गाने पे डांस नहीं कर सकती। अरे क्यों झूठ बोल रही हो, तुम्हारा फेवरेट गाना तो है, डोंट यू रिमेम्बर? ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। राइट, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, पिज्जा पार्लर में बैठा रहता था ना, मैं डांस नहीं करता, तुम मुझे बोलती थी लूजन अप योर बॉडी, खुल के डांस करो, और डांस करना अच्छा होता है अपने लिए, बहुत मजा आता है ना, खुशी के लिए डांस करो, कोई कॉम्पिटिशन या परफॉर्मेंस के लिए डांस नहीं करना होता, अपने लिए डांस करना होता है। लेट्स डांस, फ्री हो जाओ, ओपन योर बॉडी, रेडी 3, 2, 1, go! स्पेशल वड़ा पाव, 8-8 मिर्ची डालिए, आंखों में आंसू और जुबान पे चटका। hey, शवाय, 8 मिर्ची वाला वड़ा पाव, याला मराठीत काय म्हणतात माहिती आहे? झणझणीत, कांसा धुआ आता है कान से। आजोबा, आपने खाना शुरू नहीं किया, क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगता? वो जब तक आजी नहीं आएगी ना, तब तक आजोबा शुरू नहीं करेंगे। ये दोनों ना हमेशा एक साथ खाना खाते हैं। हाँ, और ये सिलसिला अभी का नहीं है, जब हम मुंबई में रहते थे ना तब से ऐसा है, खाना खाने के लिए ये एक दूसरे का घंटों इंतजार करते थे। बुढ़ापा आ गया लेकिन रोमांस खत्म नहीं हुआ। अपनी अपनी किस्मत की बात है, कोई प्यार पाके खुश है तो कोई पैसा। तो मुझे क्यों सुना रही है? मैं तो बस बोल रही थी। अरे आजी, अब कहाँ थी? आजोबा आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए मैंने वड़ा पाव बनाया गरम गरम, ये लीजिए।
बताओ अर्जुन, कुछ प्रॉब्लम है क्या? माना गोभी का पता चल गया। क्या कहा है गोभी? गोभी अर्जुन के साथ है माना। जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अर्जुन सर तो पूर्वी मैम के साथ होने चाहिए ना। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई मानव, पूर्वी ने इस बार फिर से हमें धोखा दिया। मानव, हमें अब तक ये लगता था कि वो इतने साल से अकेली रह रही, अपने अपने बच्चे को उसने माँ बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन ये सब झूठ था मानव। जिस एजेंसी को हमने हमने उसका पता लगाने को कहा था ना, उस एजेंसी की रिपोर्ट है कि वो भी अब तक अकेली नहीं थी, वो अर्जुन के साथ रह रही थी इतने सालों से। लेकिन अर्चना, हम जब इंडिया गए थे तब हमने अर्जुन से बात की थी, उसने खुद कहा था कि वो भी, अर्चना पूर्वी और अर्जुन की शादी भी तो होने वाली थी। वो सब झूठ था, वो सब झूठ था, वो एक नाटक था, एक धोखा था। पूर्वी ने बेचारी ने हमें कुछ नहीं बताया क्योंकि वो मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी, उसे सब कुछ पता था माना, इसीलिए उसने अपनी शादी बार बार पोस्टपोन की। उसने जो किया वो उसे शोभा देता था, लेकिन ओवी ने जो किया वो उसे शोभा देता था। वो मतलबी थी, मतलबी है और हमेशा रहेगी। उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है माना, कब किसके बारे में सोचा है? कभी हमारे बारे में सोचा उसने? नहीं सोचा, तभी तो ये सारी चीजें कर रही थी वो। अगर अगर भगवान मुझे एक मौका देगा ना अगर जिंदगी में कुछ करने का, और मुझे कहेगा कि कौन सा हिस्सा है जो मैं अपनी जिंदगी से मिटाना चाहती हूँ, तो मैं ओवी को मिटा देना चाहती हूँ। आपसे प्लीज, तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मेरे घर का मामला है, मेरी बेटी का मामला है। तुम्हें पता है हमें कितनी तकलीफ हुई है ओवी की वजह से? नहीं जानती ना, तो बीच में मत बोलो प्लीज। मैं तो पहले से ही जानती हूँ ओवी कभी किसी का भला कर ही नहीं सकती। उसे तो सिर्फ छीनना ही आता है। देखा, अपनी बहन का ही घर उजाड़ दिया। मानव, आज तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब से मैं इस घर में ओबी का नाम भी नहीं लेना चाहती। मैं अपने सारे रिश्ते ओबी से मिटाना चाहती हूँ। आज से मेरा ओबी से कोई रिश्ता नहीं। हमेशा के लिए मेरे लिए मर गई, और इस घर में जितनी जितनी भी ओबी की यादें, मैं सब मिटा देना चाहती हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि ओबी की आजी, आजी प्लीज, मेरी आई की कोई गलती नहीं है। उसकी गलती है ही नहीं। आजी, 20 साल से वो मेरे साथ है, और डैड डैड तो इंडिया में है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, सारे संस्कार दिए। आजी, मेरी आई किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती है। वो तो आप लोगों को उतना ही प्यार करती है जितना आप लोग उससे प्यार करते। बचपन से उन्होंने मुझे आप लोगों के बारे में बताया। आज उसकी गलती नहीं है, वो आप लोगों को बहुत मिस करती है। आज वो किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। प्लीज, उसे अपनी जिंदगी से बेदखल मत करो आज। प्लीज प्लीज आज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसकी गलती नहीं है आज। प्लीज प्लीज उसे माफ कर दो, आज उसकी गलती नहीं है। सारे घर वालों को बहुत मिस कर दिया जी। क्या बोली तू? ओवी तेरी आई है? आई, ये ओवी की बेटी पिया अर्जुन किर्लोस्कर।
मुझे पता है कि तेरी आई ने मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने कोई झूठ नहीं बोला। मुझे पता है मैंने इसीलिए जानबूझ के ये किया ताकि तू हमें सच बताए कि तू भी की बेटी है पिया। मैं नहीं जानती पिया कि ओवी ने हमें याद किया कि नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं हम सबने उसे बहुत याद किया, बहुत ज्यादा याद किया। ये तेरी सबसे बड़ी आजी सविता जी, जब ये परी को खाना खिलाती थी हमेशा तुझे याद करती थी, तुझे पता है। और ये सुलोचना जी है, ये जब भी भगवान के सामने दिया जलाती थी ना तो हमेशा तेरे लिए और भूमि के लिए प्रार्थना करती थी कि वो दोनों जहां भी हो खुश हो। और ये तेरी मासी तेजू, मुझे पता है ये ओवी और ये दोनों जुड़वा है, तू समझ सकती है जब तू बचपन में उसके साथ नहीं थी तो उसे कितनी तकलीफ होती थी, तुझे बहुत याद किया है, मुझे पता है। और पिया ये तेरे आजूबा है, मैं जानती हूँ मानव कभी दिखाएंगे नहीं लेकिन वो भी उनके जिगर का टुकड़ा है, वो भी के बिना रह नहीं पाते थे, तो सोच तुझे कितना मिस किया होगा उन्होंने। मैं तेरी आजी हूं, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तुझे कितना मिस किया। तुला भाई थे नाथ मंजे दुधावर जी सायस थे, एक आजी के लिए पोती क्या होती है तो तभी समझ पाएगी जब तू आजी बनेगी। हम सब ओवी से नाराज थे, हम सब ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन या तू तेरा इंतजार किया है, हम सब तुझे खिलाना चाहते थे, तेरे साथ वक्त बिताना चाहते थे, तुझे देखना चाहते थे, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए, तुझे पता है कहीं ना कहीं पिया का नाम आता और हमें बहुत तकलीफ होती थी। देख हम सब ओवी से नाराज थे लेकिन हम तुझसे नाराज नहीं थे पिया, तेरी कोई गलती नहीं थी। और एक बात कहूं, एक मोड़ पर आकर मैं सब कुछ भूल चुकी थी, हम सब भूल चुके थे, हम ओवी को माफ करना चाहते थे और कैसे नहीं करती, वो मेरी बेटी है, मैं कैसे उसे माफ नहीं करती, बस वो एक बार आ जाती सामने तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन नहीं आई इसलिए। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हाँ इतने वक्त से तू हमारे आंखों के सामने हम तुझे देख रहे हैं और मैं अपने पिया को नहीं पहचान पाई, क्यों किया तूने ऐसा हमारे साथ, बोल क्यों किया। यही देखना चाहती थी ना हमारे दिल में ओवी के प्रति कितनी नफरत है, देख लिया कोई नफरत नहीं है, सिर्फ प्यार है प्यार। I'm sorry आजी, I'm sorry आजी, मुझसे गलती हो गई, पता मुझसे गलती हो गई, पर मेरे इरादे कभी गलत नहीं थे आजी। आजी मुझे डर था कि अगर मैं आपको अपनी पहचान बता दूंगी तो शायद आप लोगों को खो दूं। आजी मैं बस इस घर को एक करना चाहती थी, अपनी आई को उसके परिवार में जगह दिलाना चाहती थी, मेरे इरादे गलत नहीं थे आजी। और मैं आप लोगों को बताने वाली थी पर फिर इंडिया जाने की बात आ गई, मैंने सोचा इंडिया जाके आप लोगों को सरप्राइज दूंगी। रोना बंद कर, जा सबसे मिल ले,
तेरे आजी तेरे आजोबा तेरी मावशी सब तेरा इंतजार कर। जा, ये दे मुझे, जा। तो इतने दिन तुम हम सबकी परीक्षा ले रही थी हा? तू तेरी होगी बेटी